हम लोग पेपर टू का सभी ग्रुप का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो 100% इसी में से एग्जाम में आएगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए सर को शुरू करते हैं। हम लोग पेपर वन का ऑलरेडी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे जिसमें जूही मैम लेके आई थी। तो अगर लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन का पेपर वन पेपर टू का अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन आपको मिले, उसके लिए आपको स्मार्ट कम्बो 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, हमारे नंबर पे नीचे नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आपको भेजना होगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, साथ में उसका क्रैश कोर्स मिल जाएगा और उसका डिटेल कोर्स मिल जाएगा। राइट, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रुप बी में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, और डिफरेंशियल कैलकुलस का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन को चेंज करके मूव करके पूछा जा सकता है, वो भी आपको हम गाइड करेंगे और साथ में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बताएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम टू फाइंड द एंथ डेरिवेटिव। यहां पे एंथ डेरिवेटिव होगा, यहां पे एंथ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन x। राइट, ये क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अगर आपको बोलेगा स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम, डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम बोलेगा तो भी उसी तरीके से आपको जवाब देना है, और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में तो भी आपको इसी तरीके से आंसर देना है जो आपको आंसर हम प्रोवाइड करें। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर टू है आपका, इफ y इक्वल टू साइन m इनटू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट, इट मतलब इसको सॉल्व करना है आपको बाय लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, और आपको इतना प्रूफ करना है कितना कैसे आएगा। कि आपको हम बता दें कि ये लेबनीज थ्योरम का ही न्यूमेरिकल है, ये आपसे इसका थ्योरम और इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप जरूर करेंगे, अच्छे से करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर थ्री है, प्रूव दैट dx by d थीटा इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr by d थीटा है, ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है, थीटा है। राइट, स्क्वायर अंडर रूट में है, ये आपका कर्वेचर का है, ये डेरिवेशन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। ये दो कर्व दिया है, अब आपको इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। कैसे निकालेंगे तो आपको हम जब प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ सॉल्यूशन, उसमें आप देख लीजिएगा। और इस सेम क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन देख रहे सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें लेक्चर्स में प्रोवाइड कर चुके हैं, सॉल्व करा चुके हैं। राइट, तो आप जाके देखिएगा क्रैश कोर्स वाले, तो उसमें सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, if y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to 2x, और देन आपको प्रूफ करना है इतना को आपको डिफरेंशिएट करना है बाय लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, आपको लगाना है और इतना आपको प्रूफ कर देना है। राइट, इतना आपको प्रूफ कर देना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट द पेडल इक्वेशन, आप देखिए यहां पे कर्वेचर से ही कनेक्ट करता है पेडल इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको पेडल इक्वेशन की बात कर रहा है। अब कर्वेचर, अब इतना इज इक्वल टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है, तो इसे आप करेंगे, अच्छे से करेंगे और मजे से करेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, इफ cos इनवर्स y / b इज इक्वल टू log x / n, प्रूव दैट, यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक हुआ रहेगा तो सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा। प्रूव दैट x square into y n plus 2 plus 2n plus 1 x by n plus 1 plus 2n square by y n equal to 0, मतलब इसको फिर इसको लेबनीज थ्योरम के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आपको लेके आना है, इतना लेके आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, f is equal to f y by x so that x into del u by del x plus y into del u by del y equal to 0, आपको प्रूफ करना, ये है आपका यूलर्स थ्योरम का एक प्रकार का, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, इसको हट सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर आगे हम और देखेंगे इसका ग्रुप ए का इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं ग्रुप ए का, तो हम लोग आगे का रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, if y is equal to cos m sin inverse x so that 1 minus x square into y n plus 2 minus 2n plus 1 x into y n plus 2 plus m square minus n square
इनटू yn इज इक्वल टू 0 दे रखा है। पिछले क्वेश्चन जो आपको हम बताए थे तो यहां पे sin था, अब यहां पे cos है, सेम मेथड रहेगा, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहेगा, खाली साइन के जगह पे कॉस आपको पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, राइट। ऐसे आपको उनका सॉल्यूशन देंगे ही, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, स्टेट एंड प्रूफ द यूलर्स थ्योरम एंड पार्शियल डिफरेंशिएबल ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ये बोल रहा है कि यूलर्स थ्योरम आप प्रूफ कीजिए होमोजेनियस फंक्शन के लिए। क्या बोल रहा है? यूलर्स थ्योरम प्रूफ कीजिए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। क्या बोला? टू वेरिएबल के लिए यूलर्स थ्योरम प्रूफ। देखिए एक बात आपको बता दें, यूलर्स थ्योरम में ना यूलर्स थ्योरम का न्यूमेरिकल और इसका थ्योरम पूछता है, दोनों आपको करना है। लेबनिस थ्योरम उसका न्यूमेरिकल, उसका थ्योरम पूछता है, उसको अच्छे से आपको करना है। ऐसे जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 11 है, इफ साइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूफ दैट, आपको इतना इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। ये आप यूलर्स थ्योरम का न्यूमेरिकल है, इसे अच्छे से करेंगे। ये भी यूलर्स थ्योरम का न्यूमेरिकल है, इफ ए इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई वन माइनस एक्स माइनस वाई, सो दैट इतना इज इक्वल टू आपको जो प्रूफ करना है साइन टू यू आपको प्रूफ करना है। इसी तरीके सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू था, देखिए यहाँ पे क्या है क्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है, क्वेश्चन सेम है और आपको प्रूफ करना यहाँ पे हाफ साइन टैन यू आपको प्रूफ करना, राइट, सेम तरीका रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है, प्रूफ दैट 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ना आपका पेडल इक्वेशन का है, इसको आपको बोले अगर आपसे बोल देगा प्रूफ दैट पेडल इक्वेशन, यानी इसका मतलब आपको इतना प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। ध्यान से पूरे सुनिए, इसी क्वेश्चन के जगह पे ये इक्वेशन ना देके आपको डायरेक्ट हम पूछ ले प्रूफ दैट पेडल इक्वेशन या फाइंड पेडल इक्वेशन, तब जाके आपको ये सेम तरीके से आपको प्रूफ करना है। इसमें एक और क्वेश्चन जो आने के पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हो गया कर्वेचर। कर्वेचर का है, आपका इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, पूछा है कई बार, तो उसे भी आप करेंगे जब पीडीएफ सॉल्यूशन हम देंगे आपको, उसमें हम इंक्लूड कर देंगे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्लूड कर देंगे। तो ओवरऑल आपको ग्रुप ए से टोटल 14 क्वेश्चन आपको हम सेलेक्टेड दिए हैं, इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ सॉल्यूशन देंगे और कैसे देंगे आपको हम बता दें, फिर आगे हम जिक्र कर देंगे, आगे के ग्रुप में हम लोग मूव कर जाते हैं। अगला ग्रुप जो आपको पढ़ना है ना इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना। अब इंटीग्रल कैलकुलस से ना हमारा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है इवैल्यूएट वन नंबर में, अब देखिए हम सब एक ही जगह पर कलेक्ट कर रहे हैं, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, सिंगल पूछेगा, राइट। देखिए वन नंबर में है, इंटीग्रेशन बी से ए से बी लिमिट है और ई टू द पावर एक्स और इन टू डी एक्स। अब इतना देख के आप डायरेक्ट एग्जाम में मत मार देना कि भाई इसका तो आंसर डायरेक्ट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्ट ई पावर ई एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ई एक्स हो जाएगा, पुट कर देंगे लिमिट की वैल्यू आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आगे भी पढ़ना है आपको एज द लिमिट ऑफ सम, मतलब लिमिट ऑफ सम मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये इतनी छोटी सी क्वेश्चन आपको दो पेज में जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग टैन एक्स इनटू साइन डी एक्स है। ये आपका रिडक्शन फार्मूला से है, रिडक्शन फार्मूला आपको कांसेप्ट उसको आप क्लियर करना है आपको। ये भी हमारा रिडक्शन फार्मूला से 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इनटू डी एक्स दे रखा है, और ये भी आपका लिमिट ऑफ सम मेथड से है, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर जाना ना इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स टू द पावर 3/3 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना आपको, लिमिट ऑफ सम मेथड से इसको प्रॉपर निकालना है, नहीं तो आपको एक आध मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं सभी अभी तक चीजें आपको क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग आएगा रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस देख रहे थे, तो वन नंबर तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व ए इनटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर व ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जितने भी आपका कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है ना, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन जब इंटीग्रल का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाएंगे नीचे की तरफ, तो देखेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए कुछ लेक्चर्स आया था जो लॉग फॉर्म में होगा, जब उसको आप मेंबरशिप लेंगे तो चलेगा, तो उसी में सभी जितने भी आपको हम कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन भी बताया जाए बताने जा रहे हैं, तो उसी में वीडियो सॉल्यूशन आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ऐसे पीडीएफ में भी आपको हम देंगे, राइट। चलो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है कर्व ट्रेसिंग वाले का,
तो जाके वहां पे देख लीजिएगा, आपको हम गाइड कर दिए। ओके चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x a माइनस x1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, आपका क्या एरिया निकालना है किसी लूप का। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द होल लेंथ ऑफ द कर्व, ये कर्व दिया रखा है इसका लेंथ आपको निकालना है, किस प्रकार से निकालें। सभी क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन सॉल्यूशन करवाए हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका आपका वॉल्यूम और रेडियस निकालना है, जिसका रेडियस ए दे रखा है, सॉरी वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस ए दे रखा है ऑलरेडी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका रेडियस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द इंटायर एरिया ऑफ द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 3/8 पाई इनटू a स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऑब्टेन द एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इनटू a माइनस x इज इक्वल टू x क्यूब, इट्स एसिम्प्टोट्स बोल रहा है आपका। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है, वहां पे वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, ओवरऑल अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस का, तो टोटल देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड प्रोवाइड किए थे और 1 में 4 क्वेश्चन मर्ज किए हुए थे, तो टोटल आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम दिए हैं 12 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इंटीग्रल कैलकुलस का दिए हैं और इसी में से रहेगा। इसको आप अच्छे से बढ़िया बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फॉर्म में इसको खुद को तैयार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% क्वेश्चन फंसेगा, राइट। चलिए अब हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ग्रुप सी में 2D ज्योमेट्री है और 2D ज्योमेट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, सो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2b बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2abx प्लस 2ay माइनस सी इज इक्वल टू आपका 0 दे रखा है, राइट। इतना दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका ऑर्थोगोनल से क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन रेडिकल एक्सिस एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 गिवन कर्व। मतलब क्या बोल रहा है कि इसका डेफिनेशन लिखना है, साथ में इसका आपको निकालना है कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकाला जा सकता है, वो आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन दैट लाइन, एक लाइन का इक्वेशन आपका दे रखा है, देखिए y is equal to mx plus c दे रखा है, may be touch the parabola, इस parabola को ये line touch कर रहा है, तब आपको condition बताना क्या होगा। काफी VVI question है, इस question को अगर 5 star दिया जाए फिर भी कम है, क्योंकि इसका chances पूछने का ना बहुत ज्यादा है, right। चलिए question number 4 हम लोग का है, so that the equation 1/r is equal to 1 plus e cos theta and 1/r minus 1 e cos theta आपको दे रखा है, represent the conic को represent, sum of conic को represent ये दोनों equation कर रहा है। तो overall हम यहाँ पे अब 2D का 4 questions देखे हैं और आगे हम देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग 2D और 3D का। 2D का हम लोग remaining question देखते हैं, हम लोग का 2D का remaining question है, question number 4 तक हम लोग देख लिए, question number 5 है, find the equation of the chord of contact of the tangent draw from the point A, आपका polar coordinate है और polar form की equation में इसका condition बताना है chord of contact का, right। ये same चीज का आपको cartesian form में भी पूछा जा सकता है, parabola का और ellipse का, तो दोनों का बनाने का process same है, एक का calculation आप polar form में करोगे, एक का calculation आप cartesian form में करोगे, ऐसे आगे भी क्वेश्चन मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म वाला, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, आपका एक लाइन दे रखा है, मे द नॉर्मल, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये इलिप्स पे एक लाइन है जो नॉर्मल है, उसका कंडीशन या उसका इक्वेशन आपको निकालना होता है, या हो सकता है यही लाइन नॉर्मल ना होके टेंजेंट भी हो जाए, टेंजेंट भी हो जाए, राइट। देख क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट x1, y1, देखिए अब यहां पे हमारा ये एलिप्स पे एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का आपका इक्वेशन निकालना है, यहां देख रहे थे ये पोलर फॉर्म में था, यहां कार्टेशियन फॉर्म में था, क्वेश्चन दोनों सेम, लेकिन पूछा जाता है अल्टरनेट बेसिस पे,
फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट अल्फा पे, कोई एक नॉर्मल है पोलर फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और ए नॉर्मल एट एनी पॉइंट अल्फा पे नॉर्मल है कोनिक, ये कोनिक का इक्वेशन है, इस पे नॉर्मल है, क्या बोल रहा है, फोकस बीइंग द पोल, बोल रहा है कि जो फोकस है वो पोल से, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू फाइंड द कंडीशन दैट द सर्कल x2 + y2 + 2g1 + 2f1y + c1 = 0 एंड x2 + y2 + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 should be orthogonal, ये orthogonal है, इसका कंडीशन ऑर्थोगोनल का आपको कंडीशंस बताना है क्या होगा। ओवरऑल आपका 2D ज्योमेट्री का सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहां पे आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन 2D का हम कितना टोटल 9 प्रोवाइड कर रहे हैं, 9 सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें से कम दो क्वेश्चन आपको 100% आएगा, तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और 3D का क्वेश्चंस आपको हम डायरेक्ट आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उस PDF में अटैच कर देंगे, क्योंकि 3D का क्वेश्चन हम नहीं लेके आ पाए हैं, तो यहाँ पे उसका आपको नहीं लिख के आपको हम बता पाएंगे कि बोर्ड पे कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, PDF की फॉर्म में, उसमें क्वेश्चन रहेगा 3D का भी, ऐसे कम्युनिटी पोस्ट भी कर देंगे यूट्यूब पे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जितने भी पेपर 1, पेपर 2, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए हैं, अगर अभी सभी का सॉल्यूशन आप लेना चाहते हैं PDF की फॉर्म में और क्रैश कोर्स और डिटेल कोर्स साथ में, तो आप हमारा स्मार्ट कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा स्मार्ट कॉम्बो 159 का ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल का। अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, उस पर टैप कीजिएगा, दो ऑप्शन ओपन होगा, एक 89 का बेसिक कम्बो, वो सब्सिडरी वाले के, 159 का स्मार्ट कम्बो, वो मैथोनर्स वाले के लिए है, उस पर आपको टैप करना है, डिफरेंट पेमेंट मोड मिलेगा, जैसा आपको सुटेबल होगा उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर पर भेजना है 7979707765, राइट 7979707765 पे, इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, तब जाके आपको हम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे, फिर वहां से आप सभी पेपर 1 पेपर 2 का सिलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे PDF, वहां से क्रैश कोर्स देख पाएंगे, डिटेल कोर्स देख पाएंगे, राइट। अगर आपसे पेमेंट करने में कोई इशू होता है तो डायरेक्ट इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके हमें डायरेक्ट फोन पे गूगल पे भेज दीजिएगा, आपको हम बोर्ड के थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन करवा देंगे, चीजें सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो 100% गारंटी है, गारंटी ले रहे हैं 100% कि जो भी क्वेश्चन आपको हम सेलेक्टेड प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 का 100% टकराएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके जितने भी क्वेश्चन दिया गया उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और बढ़िया से जाके एग्जाम दीजिए, ओके। तो एडवांस में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम बहुत बढ़िया जाए ऐसा हम कामना करते हैं इस वर्ष से, ओके। तो आई होप ये जितना भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया आप अच्छे से करोगे, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।